अब देखते हैं आगे। हाँ म्यूट किया ना, म्यूट हो गए ना सभी अभी? अरे म्यूट तो किया मैंने। अरे बेटा म्यूट हो जाओ बेटा, चलो सभी म्यूट हो जाओ। हाँ म्यूट हो गए, शायद हो गए ना म्यूट। हाँ तो चलो अभी साचे कसे इन आले म्हणजे काय रे? तू जरा नीट बोलवर, इन म्हणजे कळलं नाही मला। साचे कसे इन आले इसका मतलब समझा नहीं मुझे। सेवन तो आ गए ना बेटा, सेवन तो अलग अलग है, ये सेवन तो अलग अलग है। बोलो कोई प्रॉब्लम है तो बोलो, कोई प्रॉब्लम मैं बता दूं, क्योंकि ये समझना चाहिए। इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं ना। सात तो आ गए, अरे सात कैसे आ गए ये नहीं समझ में आया तुझे? अब ये अलग अलग, ये तो अरेंजमेंट अलग अलग है। आइसोमेरिज्म जरा पढ़ना पड़ेगा मुझे लग रहा है। ये देखो ये अलग है, ये अलग है, तो ये सभी एक दूसरे के आइसोमर है ना, ये सभी एक दूसरे के आइसोमर है। सात के साथ अलग अलग किसको किसको, चलो ये किसको किसको समझ में आया जरा ये बताओ मुझे, ये किसको किसको समझ में आया उसने यस बोलो, अदरवाइज इसको और एक बार पढ़ाना पड़ेगा। समझ में आया तो यस बोलो। चलो सात कैसे आ गए? नहीं गिवन नहीं थे, काढ़ावे लगता। यू हैव टू फाइंड देम, दे आर नॉट गिवन। आपको ये नहीं बताएंगे कि भैया इसके साथ है, नहीं नहीं बोलेंगे इसके पूरे के पूरे आइसोमर कितने आएंगे। क्वेश्चन बस इतना ही रहेगा, इतना ही रहेगा क्वेश्चन। एमसीक्यू में कितना रहेगा, हाउ मेनी आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर दिस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो आपको सभी ड्रॉ करने हैं और उसमें से देखना है कि चलिए ऑप्टिकली एक्टिव कितने हैं, तो उनको दो दो काउंट करना पड़ेगा जितने भी ऑप्टिकली एक्टिव आएंगे। समझ में आया? ऐसे आए सात और उसके अंदर ऑप्टिकली एक्टिव कितने हैं, तो आपको इसको करना है अभी। मतलब ये वाला क्वेश्चन आप करेंगे खुद ना देखे हुए, देखना नहीं है बेटा आपको, खुद करो। नहीं, कोई ट्रिक नहीं है इसमें, टाइम लगेगा ही, टाइम तो लगेगा ही, तो प्रैक्टिस करनी पड़ती है। ऐसे क्वेश्चन रहते हैं ना अभी एनसीईआरटी में या फिर एमसीक्यू में, तो आपको अंदाजा आ जाता है फटाफट फटाफट। टाइम तो लगेगा, आसान है लेकिन टाइम लगने वाला है। देखिए दो तरीके के क्वेश्चन होते हैं, एक ज्यादा लॉजिक लगता है जो कि सभी को आते नहीं, और दूसरे लॉजिक की जरूरत नहीं लेकिन लेंदी होती है, तो ये लेंदी रहेगा। तो चलो इसको सॉल्व करो आप, कितनी देर लगाते हो देखता हूं मैं। पांच वाला आएगा नहीं आपको, चार वाला ही आता है यूजुअली। हाँ वो डिफिकल्ट है शुभम, वो तो फिर देखो शुरू में लगता है कि सभी आए कि नहीं, लेकिन वो तो देखना ही पड़ता है बेटा। चार तक ना उतना मुश्किल नहीं है, लेकिन पांच से आगे आता भी नहीं आपको, ज्यादा ज्यादा तीन वाले चार वाले आते। तो प्रैक्टिस करने के बाद समझेगा आपको कि सभी आ गए। मैं बोल रहा हूं ना दो तरीके के क्वेश्चन होते हैं, एक आसान लेकिन टाइम लेने वाले, और दूसरे डिफिकल्ट, टाइम कम लगता है लेकिन लॉजिक लगता है उसमें। तो कहीं पर भी वो, चलो आइसोमेरिज्म निकालने के लिए ट्रिक्स यहां पे कुछ भी नहीं है, स्केलेटल आइसोमर्स निकाल के ही देखने पड़ते हैं, और आदत हो जाती है थोड़ा भी करोगे तो। चलो इसके निकालो जरा, पांच के तो आएंगे ही नहीं आपको, चार कार्बन तक ही आएगा, लेकिन फिर भी मैं पांच का भी करवा रहा हूं। पांच का बहुत लेंदी हो गया, इतना आता नहीं, ये इसने यहां पे गलती कर दी है। चलो ना देखे हुए आपको ये सॉल्व करना है, देखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। चलो अब ये खुद करो आप। चलो देखते हैं कैसे निकाल सकते हैं इसको। देखो इस तरीके से आपको निकालना होता है। सॉरी ये कहां से, ऑल आइसोमर इसके निकालने हैं हमको। तो देखिए यहाँ पे इसको अरेंज करने की जरूरत होती है ठीक से, ऐसे नहीं कि जल्दबाजी करनी है।
देखते हैं जरा किस तरीके से कर सकते हैं हम। हम क्या करेंगे, इतने अरे ऐसे नहीं आते क्वेश्चन पांच पांच वाले, लेकिन प्रैक्टिस करके लेने पड़ती है। चार वाले आते, चार वाले। प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। चलो पांच कार्बन के लिए हम पहले देखते हैं अल्कोहल कैसे कैसे आएगा। देखो सबसे पहले तो ये स्ट्रेट चेन, ठीक है, उसके बाद ब्रांचिंग कैसे हो सकती है ये देखेंगे। ये देखिए आपको तो सिंपल सी बात है, ये पांचवा जो कार्बन है, ये पांचवा कार्बन यहां पे आएगा। ये हो गई दूसरी स्केलेटन की अरेंजमेंट। तीसरी स्केलेटन की अरेंजमेंट, एक दो तीन चार पांच हो गया ये, राइट। ये अल्कोहल के लिए हो गया। अब ईथर के लिए देखते हैं, एक तो ये वाली अरेंजमेंट, मतलब ये पांच ईथर, एक दो तीन चार पांच, फिर उसके बाद पांच, उसके बाद और एक होता है पांच, उसके बाद इसमें और कोई पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही। ये एक तरफ दो, एक तरफ तीन, ये भी हो गया। चार को ही अलग से कर, हाँ एक ये हो सकता है आइसोप्रोपेन वाला, मतलब देखना ही पड़ता है इसको। ये देखिए ये वाला, ठीक है, हो गया। मतलब ये तीन, ये देखो इसको अलग अलग कैसे कर सकते हैं, ये तरीका मैंने यहां पे लिखा, लेकिन इसको एक और अलग तरीका है ना इसको भी करने का, राइट। अब और इसको, ये तो प्राइमरी हो गया, आप सेकेंडरी भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते देखिए, सेकेंडरी ये चार ब्यूटेन और ये इधर ऐसे, ठीक है, यहां पे करोगे तो और कुछ अलग नहीं होगा, वही होगा। तो देखो अभी, अब ये अल्कोहल यहां पे क्या क्या अलग हो सकता है। एक तो यहां पे OH लगाओ, एक हो गए, यहां पे OH लगाओ दो हो गए, यहां पे OH लगाओ तीन हो गए, यहां पे लगाओ नहीं कुछ अलग नहीं है, वो तो अब सेम होने वाला है, क्योंकि यहां पे लगाओ या फिर यहां पे लगाओ सेम है, फिर यहां पे लगाओ सेम है। तो इस अकेले के तीन हो गए। अब इसका देखते हैं, यहां पे लगाओ एक, यहां पे लगाओ दो अलग, फिर यहां पे लगाओ तीन अलग, फिर यहां पे लगाओ चार अलग, लेकिन यहां पे और यहां पे सेम है इसलिए चार, इसके टोटल कितने हो गए चार। फिर यहां पर देखो तो इधर लगाओ, इधर लगाओ, इधर इधर किधर भी लगाओ, एक ही पॉसिबल है, तो इसका एक ही पॉसिबल है। तो अल्कोहल कितने हो गए, वन टू थ्री चार और तीन सात और एक आठ, अल्कोहल आठ हो गए, अल्कोहल आठ हो गए। अब इथर में देखो, बस देखना है इथर में, ये देखिए आपको बस देखना है प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी पॉसिबल है क्या, आइसो नियो पॉसिबल है क्या। तो ये जो चार कार्बन वाला है इसका एक ये प्राइमरी, फिर ये आइसो और ये सेकेंडरी, टर्शियरी इसका पॉसिबल है क्या, टर्शियरी, हाँ टर्शियरी भी पॉसिबल है, एक दो तीन चार और ये एक पॉसिबल है, ठीक है। अलग अलग अरेंजमेंट आती है, मतलब थोड़ा पेचीदा है ये, ऐसे नहीं कि कुछ भी नहीं है। अब इसमें क्या, ये प्राइमरी और इसमें सेकेंडरी आइसो सेम ही है, तो ये ही हो गया इसका सेकेंडरी भी और ये आइसो भी वही हो गया, और इसको तो कुछ नहीं कर सकते, ये तो दो ही कार्बन वाला है, तो नो टेंशन। तो ईथर कितने हो गए, एक दो तीन चार पांच छः, छः ईथर,
आठ अल्कोहल और छह इतर, तो ये हो गए 14, ठीक है 14 हो गए। अब इसमें देखना है हमको ऑप्टिकल आइसोमर्स कहाँ कहाँ पे, ऑप्टिकल कौन कौन दिखा सकता है, तो ये तो नहीं दिखाएगा। जब यहां पर OH आएगा तो ये दिखाएगा, क्योंकि ये ग्रुप अलग है, ये ग्रुप अलग है, क्योंकि ये बहुत लेंदी हो गया, इतना लेंदी क्वेश्चन नहीं आता बेटा, लेकिन करके तो लेना पड़ेगा ना हमको। तो इसके दो हो गए, मतलब यहाँ पे एक एडिशन और एक करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे OH लगाओगे तो ये भी सिमेट्रिक नहीं बनेगा, क्योंकि इधर जो ग्रुप है वही इधर ग्रुप हो जाएगा। तो हो गया, इसका एक ही ऑप्टिकली एक्टिव है, तो एक एडिशन हो गया। और एडिशन किसका होता है, इसका देखते हैं, इसका, इसको अगर यहाँ पे OH नहीं, यहाँ पे OH लगाते हो फिर भी ये और ये ग्रुप सेम है, यहाँ पे OH लगाते हो तो ठीक है, हाँ ये ग्रुप अलग बन जाएगा, ये ग्रुप अलग बन जाएगा, इधर हाइड्रोजन, चलिए ठीक है। फिर इसका एक एडिशन हो गया, मतलब ये ऑप्टिकली एक्टिव है, इसका तो कोई ऑप्टिकल एक्टिव आएगा ही नहीं, करके देख लो आप, करके देख लो ठीक है। अब ईथर में देखते हैं ऑप्टिकली एक्टिव कुछ आता है क्या, तो इसमें शायद ये नहीं, ये वाला नहीं, क्योंकि दो मिथाइल ग्रुप सेम ही है, और यहाँ पे अगर देखोगे तो एक इधर अलग ग्रुप है, एक दो बॉन्ड हो गए, तो ये तो कितना, ये HCH2 नहीं। फिर ये वाला कार्बन भी ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, उसके बाद ये वाला है क्या, हाँ ये वाला ऑप्टिकली एक्टिव, ये ग्रुप अलग है, ये ग्रुप अलग है, ये ग्रुप अलग है, और इधर एक हाइड्रोजन है, सो इसका एक एडिशन करेंगे ईथर में, राइट। तो ऑप्टिकली एक्टिव ये नहीं है, क्योंकि ये कार्बन है तो इसको दो मिथाइल ग्रुप सिमिलर है, तो ऑप्टिकली एक्टिव ईथर में सिर्फ एक ही है, सिर्फ एक ही, राइट। तो टोटल एडिशन कितना हो गया, 1 2 3, सो टोटल ऑप्टिकल आइसोमर के 3 एडिशन, तो टोटल 17 आइसोमर इसके हो रहे। बस मुझे बताओ ये जो कुछ भी किया एक्सरसाइज, जो कुछ भी की, क्या वो समझ में आई, देर कितनी लगी इसका छोड़ दो, मैंने लेंदी क्वेश्चन जानबूझ के भी लिया, हो सकता है ना ऐसा थोड़ी आएगा। क्यों वरुण, वरुण क्या चाह रहा है भाई, वरुण काय चाल रहे तुझ, वरुण काय जायची गरज नाही, म्हणजे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं समझ में आया क्या, या स्केलेटल नहीं समझ में आया, चलो जरा बताओ मुझे कौन सा वाला, अरे बस बताओ मुझे क्या नहीं समझा, वरुण जायची मला वाटत नाही की इथं काय करत आहे, पहिले स्केलेटन समझ में आया क्या, जो मैंने स्केलेटन निकाले थे अलग अलग, स्केलेटन समझ में आया, फिर उसमें हमने देखा कि कौन कौन ऑप्टिकली एक्टिव हो सकते हैं, क्या वो नहीं समझ में आया, पहले स्केलेटन निकालो अलग अलग, और स्केलेटन में क्या सोचना है, अरे क्या क्या पॉसिबिलिटी है, कितना आसान किया, कुछ भी नहीं यार, ऐसा कुछ भी नहीं कि मुझे नहीं लगा कि बहुत यार मुश्किल है, पहले निकालो स्ट्रेट चेन, 5 है ये तो, 4 वाले से ही कम आपको पूछेंगे, ये तो मैंने बहुत डिफिकल्ट दिया, फिर उसको और क्या कर सकते हो, अलग स्केलेटन या ऐसा कर सकते हो, फिर और क्या कर सकते हो गया काम खत्म, ऐसा कर सकते हो, और कुछ हो ही नहीं सकता इसका, तो हो गए। अब इसको OH अलग अलग जगहों पे लगा के देखो, ये हो गया अल्कोहल का। फिर इथर, इथर में क्या क्या हो सकता है, ऑक्सीजन के एक, देखो इथर में भी क्या करके देखना है, इथर में क्या होता है, टोटल हमारे पास 5 कार्बन है, तो इधर एक, इधर 4, ऐसी एक पॉसिबिलिटी है, इधर 2, इधर 3, एक पॉसिबिलिटी है, इधर 3, इधर 2, अलग तो नहीं है, सेम ही है, इधर 1, इधर 4, अलग नहीं है, ये दोनों ऊपर जैसे ही हो गए, तो टेंशन लेना ही नहीं है, तो इसको खत्म कर दो, बस पॉसिबिलिटी क्या है, ये दो ही पॉसिबिलिटी है इधर में, है ना, 1.4 और 2.3। अब 1.4 कैसे कैसे होते हैं वो देखना है हमको, 1.4 ये ऑक्सीजन है, इधर एक कार्बन है, अरे कोई टेंशन नहीं, कितनी भी देर लेंगे लेकिन समझा के ही छोड़ेंगे बेटा, समझा के ही छोड़ेंगे। हाँ देखो ऑक्सीजन है तो एक कार्बन और इधर 4 कार्बन, अब ये सोचना है इस एक को तो कुछ अलग तरीके से लगा ही नहीं सकते, अब इस 4 को ही जरा नखरे कर सकता है, ये क्या क्या नखरे कर सकता है, एक नखरा इसका ये हो गया, फिर आइसो, मतलब नखरे क्या होते हैं यार, आइसो नियो सेकेंडरी, ये एक नखरा हो गया इसका,
प्राइमरी है लेकिन ये आइसो है। हाँ, अब सेकेंडरी का पॉसिबल क्या हो सकता है? सेकेंडरी, ये देखो सेकेंडरी। अब टर्शरी, टर्शरी निकालो ना, टर्शरी हो गया काम खत्म, और कुछ हो ही नहीं सकता इसका, क्या करेंगे? और कुछ भी नहीं कर सकते। आइसो हो गया, नियो तो इसका पॉसिबल ही नहीं है, पांच कार्बन लगते हैं नियो के लिए। अब 2.3 में क्या हो सकता है? 3। अब इसका तो कुछ नहीं कर सकते, इसको कुछ नखरे करने आते नहीं, इसको एक ही नखरा आता है, 3 प्रोपाइल ग्रुप है, इसको एक ही नखरा सकता है सेकेंडरी, और सेकेंडरी को इसको आइसो बोलते हैं, तो आइसो अलग और सेकेंडरी अलग निकालने की जरूरत ही नहीं इसकी, तो इसका एक ही नखरा चलेगा वो ये, यही आइसो है यही सेकेंडरी है, काम खत्म। 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो गए इधर, इनमें से ऑप्टिकली एक्टिव एक ही है, इनमें से ऑप्टिकली एक्टिव कौन है? एक ही तो है, वो भी कौन सा है? ये वाला, ये है ऑप्टिकली एक्टिव, तो टोटल 7 हो गए इधर, काम खत्म। चलो बताओ आप, जरा समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? ठीक है, अलग अलग, पहले स्केलेटन अलग निकालो, ऐसे मतलब पूरा क्लियर, नीट और क्लीन लिखना पड़ेगा। ऐसे अगर कुछ भी करोगे, एक इथर निकाल रहे हो, फिर अल्कोहल निकाल रहे हो, एक ब्रांच अल्कोहल निकाल रहे हो, फिर स्ट्रेट चेन, ऐसे नहीं, ऐसे एक एक मैनर से जाना पड़ेगा। पहले कार्बन की अरेंजमेंट करो, फिर उसको फंक्शनल ग्रुप अलग अलग लगा के देखो, ऐसे होता नहीं है। ठीक है, जब एमसीक्यू और सॉल्व करोगे तो आएगा। अब इसको OH लगा के देखो ना, आप ही यहाँ पे एक लगाया, चलो अलग है, यहाँ पे एक लगाया, दूसरा अलग है, यहाँ पे लगाया, तीसरा अलग है, यहाँ पे लगाया, तो सेम ही है, किसके जैसा है? इसके जैसा है। OH लगा के देखो एक एक जगह पर। चलो बात खत्म, ठीक है, ओके। तो अब हम आगे चलते हैं, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया काम, राइट। तो अब मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, अरे कुछ नहीं, ये देखिए, ये थोड़ी ये पढ़ाने की चीज है, मतलब ये फ्लो चार्ट होता है बेटा, फ्लो चार्ट का मतलब क्या होता है कि हम प्रिपरेशन किससे किससे करेंगे, राइट? सुनाई दे रहा है ना सबको? अरे सुनाई दे रहा है क्या? ओके, सुनाई दे रहा है? शायद नहीं। ओके ठीक है, फिर अगला लेक्चर हम कल लेंगे। अभी ये अल्कोहल्स का अलग अलग मेथड से प्रिपरेशन करना है, अल्किन से करना है, रिडक्शन ऑफ का ये काम नहीं कर रहा, अभी बंद कर देते, कल करेंगे, ठीक है, अगला लेक्चर कल लेंगे। बाय बाय, चलिए बाय। अभी नेट डाउन हो गया।